नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। बंगाल चुनाव, कोरोना के बढ़ते मामले और चुनावी हिंसा के बीच हुआ आखिरी दौर का मतदान। विपक्षी नेताओं ने लॉकडाउन में सेंट्रल विस्ता के निर्माण कार्य के लिए सरकार पर साधा निशाना। मुफ्त टीकाकरण की मांग को लेकर मई दिवस पर ट्रेड यूनियनों का विरोध प्रदर्शन। कोरोना अपडेट, देश में एक दिन में रिकॉर्ड 3,79,257 नए मामले सामने आए और 3,645 मरीजों की मौत हुई। और आखिर में हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर अब उपराज्यपाल होंगे दिल्ली के प्रमुख शासक। तेजी से पैर पसारते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के तहत राज्य की 35 सीटों पर गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हो गया। दोपहर 2 बजे तक 40% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य में 7 चरण का मतदान पहले ही समाप्त हो चुका है। आखिरी एवं 8वें चरण का मतदान आज यानी बृहस्पतिवार को जारी है। इस बीच मुर्शिदाबाद में कार से टक्कर के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। माकपा ने इसका आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है और बताया कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जफिकुल इस्लाम ने माकपा कार्यकर्ताओं को कार से टक्कर मार दी, जिसके बाद उनके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई जबकि अन्य 2 घायल हैं। जबकि मध्य कोलकाता में मतदान जारी रहने के बीच बृहस्पतिवार की सुबह इलाके के महाजाति सदन के सामने देसी बम फेंके गए। अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। निर्वाचन आयोग ने हालांकि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण फैलने की चिंता बनी हुई है। राज्य में बुधवार को एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 17,207 मामले दर्ज किए गए, जबकि 77 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा का चुनाव 27 मार्च को शुरू हुआ था। कुल 8 चरणों में हुई वोटिंग के बाद मतों की गिनती 2 मई को होगी। देश में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। पूरे देश में त्राहिमाम है। खासकर दिल्ली की हालत बेहद नाजुक है। लोगों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही। इसके अभाव में लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। अदालत भी इसी परिस्थिति के लिए रोजाना केंद्र और दिल्ली सरकार को लताड़ रहा है। महामारी को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार का ध्यान जहां लोगों की जान बचाने पर होना चाहिए, वहां वो नए संसद भवन को एक जरूरी काम के दायरे में रखा है। दिल्ली में लगे लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की सुचारू आवाजाही के लिए सरकार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्य को आवश्यक सेवाओं के दायरे में लाने के लिए विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा, लेकिन सरकार को इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी का इस पर क्या है कहना। सवाल यह है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारी वरीयताएं क्या है। हम इस देश को महामारी से मुक्त करना चाहते हैं, उससे लोगों को निजात दिलाना चाहते हैं, या हम इसको एक साइड का एक हाशिए का मामला समझ रहे हैं। अभी हम सेंट्रल विस्टा बनाने पर 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और 20,000 करोड़ की ये राशि है, ये प्राकलित राशि है यानी इस्टीमेट है। हो सकता है कि ये रकम और हो। 3.2 किलोमीटर राष्ट्रीय राजधानी में इतनी खूबसूरत हमारी पार्लियामेंट है, क्या खूबसूरत हमारा राष्ट्रपति भवन है, लेकिन इसके बावजूद सब नया बनाया जा रहा है, किस लिए? और यही नहीं, लॉकडाउन में जब पूरे दिल्ली का हर काम बंद है, तब एसेंशियल सर्विसेज उसको घोषित कर दिया गया है ताकि ये काम कभी ठप ना पड़े, दिन रात चले, और उसके लिए 180 गाड़ियां मजदूरों को ढोने के लिए अतिरिक्त रखी गई हैं इस समय लॉकडाउन के दरमियान। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? हम अस्पतालों में गैस ले जाना चाहते हैं, दवा ले जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? या हम केवल ऐसा निर्माण कराना चाहते हैं जहां अपना नाम खुदा हो, जहां अपना चेहरा दिखाई दे? हमने कोविड-19 से लड़ने निपटने के लिए कोई काम नहीं किया। हमने अस्पताल बिल्ड नहीं किए 1 साल में, और आप चाहते हैं कि 2 दिन में ऑक्सीजन प्लांट लग जाए और 2 दिन में अस्पताल भी बन जाए। आप एक बड़े गोदाम को दिखा रहे हैं जहां कुछ बेड पड़े हुए हैं। अस्पताल 2 दिन में नहीं बना करते। गोदामों में चारपाई
या बेड लगा देने से अस्पताल नहीं बन जाता। अस्पताल डॉक्टर से बनते हैं, नर्स से बनते हैं, उपकरण से बनते हैं, स्ट्रक्चर से बनते हैं और सब मिल करके एक अस्पताल का निर्माण करते हैं। अस्पताल कोई डेरा नहीं है, अस्पताल कोई बाढ़ राहत शिविर नहीं है कि कोशी में बाढ़ आई है या गंगा नदी में बाढ़ आई है तो लोग सड़कों के किनारे बैठा दिए जाते हैं और बड़े बड़े कैंप लगा दिए जाते हैं। अस्पताल के लिए पूरी संरचना चाहिए, लेकिन अस्पताल बनाएंगे कैसे? आपके देश में, हमारे देश में 87% जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उनका निजीकरण हो चुका है, निजी हाथों में है। हमने 1.0, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस रिजीम से लेकर आप आज तक की बात कर रहा हूं, सारी रिजीम को मैं ले रहा हूं कि पूरी अपनी अपने लोक स्वास्थ्य पर 1.2 से लेकर के और 2.4 के आसपास इन दोनों में वैरी करता रहा। हमने जीडीपी पर इनका इतने परसेंट खर्च किया हेल्थ पर। तो जो देश 1.2 से लेकर 2.4 के आसपास जीडीपी का इतना हिस्सा ही केवल हेल्थ पर खर्च करता है, वो इस तरह की महामारी में एक अस्पताल, गैस, डॉक्टर, नर्स, वेंटिलेटर, इसका इंतजाम कैसे कर सकता है? केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने सबको कोविड-19 का टीका मुफ्त लगवाने की मांग को लेकर मई दिवस पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इसमें 10 यूनियनें शामिल हैं। ट्रेड यूनियनों ने गरीब परिवारों के लिए 7,500 रुपए प्रति माह नकद और 10 किलोग्राम मुफ्त राशन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। संगठनों से साझे बयान में कहा है कि वे मई दिवस पर सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों का भी विरोध करेंगे। संयुक्त मंच ने अपनी मांगों के संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। अपने पत्र में यूनियनों ने कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त अस्पताल में बिस्तर बढ़ाने, ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं को मुहैया कराने की मांग की। इन यूनियनों का कहना है कि सभी नियोक्ताओं को छटनी, मजदूरी में कटौती और निवास से बेदखली पर रोक लगाने के लिए सख्त आदेश भी दिए जाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 29 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के फिर से रिकॉर्ड 3,79,257 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 3,645 मरीजों की मौत हुई, जिनमें 1,035 मरीजों की मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई। हालांकि इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 2,69,507 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 1,06,105 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,83,76,524 हो गई है, जिनमें से 2,04,832 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट घटकर 82.09% हो गया है, यानी कोरोना से पीड़ित 1,50,86,878 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। इसी के साथ देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 16.78% यानी 30,84,814 हो गई है। केंद्र द्वारा नए कानूनों को अधिसूचित किए जाने के साथ ही उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य प्रशासक बन गए हैं। इसके साथ ही सब साफ हो गया है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार को कार्यकारी फैसले लेने के लिए उपराज्यपाल से राय लेनी पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया है और यह मंगलवार रात से प्रभावी हो गया है। इस कानून को ऐसे समय लागू किया गया जब दिल्ली कोविड-19 के महामारी से जूझ रही है और स्वास्थ्य प्रणाली ढहने की कगार पर है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कानून के प्रावधान 27 अप्रैल से प्रभावी हो गए हैं। दिल्ली के 3 अहम विषय कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि पहले ही केंद्र सरकार के अधीन थे, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि, वन और परिवहन दिल्ली के निर्वाचित सरकार के अधीन थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना ने कानून के तहत केंद्र सरकार द्वारा नामित उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित की है। दिल्ली सरकार को अब किसी भी विषय पर कदम उठाने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी।
आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.